पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को फैसला कुन मैच हरा कर सीरीज जीत ली। सीरीज 1-2 से अपने नाम कर ली। मेजबान टीम 320 रन के हदफ के ताकुब से 292 रन बनाकर आउट हो गई। कौमी टीम की तरफ से फखरुज्जमान ने मुसलसल दूसरी सेंचुरी बनाई, जबकि बाउलिंग में शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। दोस्त था दुश्मनी की जानिब क्यों धकेल रहे हैं, जहांगीर तरीन का वजीर आजम से शिकवा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने वजीर आजम इमरान खान से शिकवा करते हुए कहा कि इनकी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। मुझ पर इन्होंने 1-2 नहीं 3 FIR दर्ज करवाई है। 1 साल से मेरे खिलाफ शुगर कमीशन में इंक्वायरी चल रही है। इन्हें सब शुगर मिल्स में सिर्फ जहांगीर तरीन नजर आया है। मेरे और मेरे बेटे के अकाउंट मुंजमद कर दिए हैं। जज आफ्ताब अफरीदी कत्ल केस में अहम पेशरफ, 2 मुलजिम गिरफ्तार, गाड़ी भी बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सबाबी मोहम्मद शुएब ने SP इन्वेस्टिगेशन बनारस खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 4 अप्रैल को मोटरवे अंबार इंटरचेंज से कुछ फासले पर नाखुशगवार वाकया रोनमा हुआ, जिसमें जज आफ्ताब अफरीदी की गाड़ी पर फायरिंग करके खानदान के 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया था। नून लीग खुद इस्तीफे देना नहीं चाहती, मलबा सिर्फ PP पर गिराना चाहती है। अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि नून लीग खुद इस्तीफे नहीं देना चाहती और मलबा सिर्फ पीपल्स पार्टी पर गिराना चाहती है। तमाम मामलात का जायजा CEC में लेंगे और CEC के बाद इस्तीफे दे भी दें तो नून लीग नहीं देगी। कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी, मौलिक वायरस मजीद 103 जिंदगियां हड़प कर गया, जिसके बाद अम्बाद की तादाद 15,026 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 7,188 हो गई। बख्तावर भुट्टो जरदारी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गई। 2 अप्रैल को बख्तावर भुट्टो का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर दुआओं की अपील करते हुए कहा कि खुद को करंटीना किया हुआ है, अवाम मास्क पहने और एहतियात करें। बल्दियाती इदारों को बहाल किया जाए, एहसन इकबाल ने अदालत से बल्दियाती इदारों को बहाल करने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि जो फैसले पर अमल दरामद नहीं करा रहे, इन्हें तोहीन अदालत का नोटिस भेजा जाए।